मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। रीडिंग कैंपेन में ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम की मैं बना रही हूँ, हिंदी मीडियम की मैंने अपलोड कर दी है, तो आप हिंदी मीडियम की भी देख सकते हैं। अगर आप क्लास सिक्स या क्लास सेवन्थ या क्लास एट्थ में हैं तो आपको यही वर्कशीट करनी है, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। हिंदी मीडियम का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं हिंदी मीडियम की। डेट डालिए आज की, अपना नाम लिखिए, अपना टीचर का नाम लिखिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर किसे कहा जाता है? जब भी हमें कोई भी आकृति दी जाए, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो लंबी हो, चाहे वो चौड़ी हो, चाहे वो तीन हो, तीन साइड्स वाली हो, चाहे वो पाँच साइड्स वाली हो, कितनी भी साइड्स की हो, अगर हमें कोई आकृति दी जाती है, उस आकृति के आउटिंग का जो जोड़ होता है, जो ये बाहर, इसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। ये जैसे आपसे कहा जाए कि आपकी नोटबुक है, आपको इस पर टेप लगाना है, तो आप इसकी चारों साइड्स पे टेप लगाओगे, यही कहलाएगा पैरामीटर। आपसे कहा जाए ये मम्मा की साड़ी है, इसके चारों साइड से हमें लेस लगानी है, ठीक है। ये जो आप लेस लगा रहे हो ना चारों साइड, यही कहलाएगा पैरामीटर, ठीक है। या कहा जाए कि ये आपका हैंकी है, इस पे आपको चारों साइड जो इसके कॉर्नर्स पे कुछ डिज़ाइन बनानी है, तो ये क्या कहलाता है? इसकी जो चारों साइड्स है ना, ये एक्स 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 और एक्स, ये चारों को जब हम प्लस करेंगे तो यही हमारा पैरामीटर निकलेगा। चलिए तो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हमें और क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त आर प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेल रहे थे। सडनली रितु सी अ स्नेक, ठीक है। रितु ने फौरन ही क्या देखा, एकदम से एक स्नेक देखा, सांप देखा, मूविंग अराउंड द स्क्वायर गार्डन, जो कि स्क्वायर गार्डन के चारों ओर घूम रहा था। शी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। तो उसने क्या करा, बातें करना शुरू करी किससे, अपने फ्रेंड्स से। क्या बोली ऋतु? बोली लुक एट द स्नेक, देखो वो रहा सांप। मनु बोलती है नो इट इज़ नॉट अ स्नेक, इट इज सर्प, ये स्नेक नहीं है, ये सर्प है। पिंकी बोलती है आई थिंक इट इज़ अ सांप, वो बोलती है नहीं नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सांप है, ठीक है। कुंदन बोलता है आई थिंक इज सर्प, मुझे लगता है कि ये सर्प है। जीत बोलता है इट इज़ अ सपा, ठीक है ये क्या है, सपा है। जबकि रहीम बोलता है इट इज़ सांप, ये क्या है, सांप है, ठीक है। प्रिया बोलती है डोंट आर्ग्यू, यानी कि बहस मत करो, आर्गुमेंट्स मत करो, लेट अस गो टू द स्कूल, चलो हम स्कूल चलते हैं, एंड आस्क द टीचर, और अपने टीचर से पूछते हैं, ठीक है। अब चारों पांचों जितने भी बच्चे थे ये सब कहाँ गए, टीचर के पास गए। टीचर ने बोला द टीचर सैड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, यानी आप सब लोग सही हो, दे आर डिफरेंट नेम ऑफ स्नेक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि सांप के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं। सर्प इन हिंदी, सपा इन पंजाबी, है ना। सांप हम कब कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, पंजाबी में सपा कहते हैं, सर्प संस्कृत में कहते हैं, जबकि सारप जो है वो आपका भोजपुरी में कहते हैं, स्नेक इंग्लिश में कहते हैं, और सांप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो बोलती हैं वी यूज डिफरेंटली डिफरेंट लैंग्वेज कॉमनली, यानी कि कॉमनली हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। द लैंग्वेज इज यूज्ड कॉमनली इज कॉल्ड द मदर टंग, यानी वो भाषा जो हम आम दिनों में बोलते हैं उसको हम लोग मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग ने अभी पहली वर्कशीट जो कल पढ़ी थी उसमें भी मदर टंग के बारे में था। अब ये बोलते हैं फाइंड आउट अबाउट योर मदर टंग, अब ज़रा आप अपने मदर टंग के बारे में पता कीजिए। तो हम सबको पता है माई मदर टंग इज हिंदी, हमारी मदर टंग जो है हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यह लिखा है देन टीचर एक्सप्लेन दैम दैट, फिर उसके बाद टीचर ने उन्हें कुछ दूसरी चीज़ एक्सप्लेन की। क्या एक्सप्लेन की, चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी कि कोई भी बंद आकृति की जो साइड्स होती हैं, जो ये साइड्स हैं उनका जो जोड़ होता है वो पैरामीटर कहलाता है। द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गार्डन इज़ ऑल्सो इट्स पैरामीटर, यानी कि जो गार्डन अभी आपने देखा
इस गार्डन की जो लेंथ है वो इसकी पैरामीटर कहलाएगी, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, टीचर ने बोला लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ गार्डन 200 मीटर। मान लीजिए इसकी सारे साइड्स की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, कितनी है 200 मीटर है। ठीक है, देयरफोर द पैरामीटर इज 800। इसी वजह से इसका पैरामीटर जो होगा वो 800 होगा। कैसे, 2 + 2 + 2 + 2, 4 बार ही तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 800। तो इसका क्या निकला, 800 मीटर निकला। आई बात समझ में, हमने चारों साइड्स को जोड़ लिया, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ काम देती है टीचर, कहती है मेजर द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर्स बाय काउंटिंग द लाइंस अलोंग द बाउंड्री, ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब बोलती है ज़रा बच्चा पार्टी पता कीजिए इसका पैरामीटर क्या है, इसका पैरामीटर क्या है और इसका पैरामीटर क्या है। जब एक स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है तो आपको बताना है इन सब का पैरामीटर क्या निकलेगा। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया ड्रॉ, अब आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये कितना निकला 4, ऐसे ये 1 2 3 कितना निकला 3, तो ये भी 4 होगा और ये भी 3 होगा। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे एरो बनाइए, इसके नीचे लिखिए 3 + 4 + 3 + 4 = 7 + 7, 4 × 7 = 7 = 14। तो इसका पैरामीटर क्या निकला, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, कर लेंगे। अब इसको ड्रॉ कीजिए जल्दी से। कर लिया ड्रॉ, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना निकला 6 सेंटीमीटर। ये कितना 1 2, ये कितना निकला 2 सेंटीमीटर। अगेन ये भी 6 होगा, ये 2 होगा, तो आप दोबारा से ऐसे कीजिए 6 + 6 = 2 + 2, कितना हो गया 6 + 6 होता है 12, 2 + 2 होता है 4, आंसर आ गया 16। तो इसका पैरामीटर कितना निकला 16 सेंटीमीटर। है आसान। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5, कितना निकला 5, गिनिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 सेंटीमीटर निकला, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब आपने ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ लिख लीजिए 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 + 5 = 10, ठीक है, और 10 + 10 कितना होता है 20, ठीक है, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आई ना बस समझ में, तो कितना निकला इसका 20 सेंटीमीटर निकला। कर लेंगे इजी से, बहुत आसान है। अब यहाँ आगे देखिए, ये आपको करने के बाद मैम ने कहा चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। एक गेम खेलते हैं, मटेरियल हमें चाहिए एक डाइस और एक स्क्वायर टाइल्स चाहिए पेपर के बने हुए, ठीक है, जिसका 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत सारे बच्चे होने चाहिए हमारे पास। अब आपको करना क्या है, देखिए डायरेक्शन दिया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट विल रोल द डाई एंड टेक दैट मैनी टाइल्स। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डाइस है, ठीक है, डाइस को आपको थ्रो करना है। जैसे आप डाइस थ्रो करते हैं जो भी आपके डिजिट्स आएंगी उतने टाइल्स आप उठा लेंगे। मान लीजिए आपने डाइस को थ्रो करा और आपका आया 3, तो आपने 3 टाइल्स उठा ली, ठीक है। अरेंज द टाइल्स टू मेक अ पॉलीगॉन, और फिर उसको क्या करना है, आपको टाइल्स को अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए उसके डाइस पे 3 आया तो उसने 3 टाइल उठाई, 1 2 और 3, ऐसे तीनों को अरेंज कर लिया उसने, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड पैरामीटर। अब आपको इसका पैरामीटर निकालना है, ठीक है। डू नॉट टेक अपार्ट द शेप बिकॉज यू विल बी एडिंग ऑन टू द फिगर एंड कैलकुलेट द न्यू पैरामीटर। अब आपको क्या करना है, ये गेम ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, ठीक। अब समझने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले आपने डाइस लिया, डाइस फेंका, आपका आंसर आया 3, ठीक, 3 टाइल्स आपने उठाए इस तरह से। ये देखिए 3 टाइल्स हमने यहाँ लगा दिए। अब आपको इसका पैरामीटर निकालना है, क्या करना है पैरामीटर निकालना है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका पैरामीटर क्या निकला 8 सेंटीमीटर, ठीक। अगेन आपने दोबारा से डाइस डाला और आपका आया 5, कितना आया 5। अब आप क्या करेंगे, इस फिगर को छेड़ेंगे नहीं, इसी के आगे 5 और ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5,
कैसे भी ऐड कर सकते हैं आप, ये इधर ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने 5 ऐड करे, अब ज़रा इसका न्यू पैरामीटर निकालिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आया इसका न्यू पैरामीटर? 12। अब आप लिख दीजिए इसका न्यू पैरामीटर हो गया 12। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपने फिर थर्ड टाइम्स डाला और आपका आया फिर से 3। अब आपका दोबारा 3 आया, अब आप क्या करेंगे, 1, 2, 3 या 3 और जोड़ दिए। अब इसका पैरामीटर निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब कितना निकला इसका, 14। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको आकृति बनाते चलना। अब अगर आपके पास स्टाइल नहीं है तो आप क्या कीजिए, डाइस ले लीजिए और कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, कॉपी में एक साइड में इधर आप फिगर बनाते चलिए कि फर्स्ट बार में आपका 2 आया तो आप यहाँ 2 स्क्वायर की बना के यहाँ का 2 का पैरामीटर निकाल लीजिए। सेकेंड राउंड में आपका 5 आया तो ये जो 2 बनी हुई थी दोबारा बनाने के बाद 3 और वो 5 है ना, तो 5 और बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ इसका पैरामीटर निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी बेस से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ भी है, कंटिन्यू रोलिंग, इसी तरह से करते रहिए दोबारा दोबारा। आफ्टर ईच न्यू रोल, जैसे जैसे न्यू होता है, ऐड टाइल्स इन योर करंट शेप, यानी कि जो आपकी शेप है उसी में ही टाइल्स को आप ऐड करते चलेंगे। फाइंड द न्यू पैरामीटर और नया पैरामीटर को निकालेंगे, जैसा अभी मैंने आपको सिखा दिया है। आगे बोलते हैं, द फर्स्ट वन हु गेट 30 पैरामीटर ऑफ 36 विल द गेम विन। अब बोलते हैं कि यानी अब आपको लगेगा मैम ये गेम तो बहुत बोर हो जाएगा, तो इन्होंने बोरियत को दूर करने के लिए क्या कर दिया कि जिसका पैरामीटर 36 सबसे पहले आएगा वो जीतेगा। ठीक है, आपको इसी तरह से खेलते जाना है, पैरामीटर निकालते जाना है, जिसका पैरामीटर 36 सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। क्लियर है? अब देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर, आई गॉट 3 ऑन माई डाइस, मैंने अपने डाइस में 3 को प्राप्त किया। तो इस तरह से मैंने ये देखिए एक फिगर बनाई जिसका पैरामीटर 8 है। तो अभी हमने निकाला तो 8 ही निकला था, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई बात समझ में? बहुत ईजी थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं, आज की वर्षिप में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।